हैप्पी के सारे जितने हिंदी सुनने वाले हैं आज दे आर ऑल्सो ओपन टू मराठी म्यूज़िक, क्योंकि यू नो द वर्ल्ड हैज़ ओपन्ड अप, म्यूज़िक के दायरे खुल गए हैं. और आज जो गाना हम लोग कर रहे हैं वो भावगीत है, विच इज़ वेरी क्लोज टू गज़ल्स इन द सेंस. यहाँ पर जो गाना रिकॉर्ड कर रहे हैं वो भावगीत है, विच इज़ द जॉनर इज़ वेरी क्लोज टू गज़ल्स इन द सेंस. उसमें नज़्म होती है, यू नो मेलोडी होती है, एंड वर्ड्स इनका सारा इम्पोर्टेंस होता है. तो एंड ऑब्वियसली इस गाने के लिए पंकज जी की आवाज़ बहुत ही परफेक्ट थी. सेकेंडली ही इज़ सच अ ग्लोबल फिगर. उन्होंने इतने सालों से गाया है, जो भी गाया है, राइट फ्रॉम 25 टू वॉट एवर, लोग सभी लोग उनके गाने सुनते हैं. और इस गाने के लिए, क्योंकि इसका मूड ऐसे है, इसका भाव ऐसे है कि उनकी आवाज़ में बहुत अच्छा लगेगा. एंड फॉर मी एज एन आर्टिस्ट टू बी एबल टू शेयर द स्टेज विद समबडी लाइक पंकज जी इज़ अ फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी. आप बिलीव नहीं करेंगे, ये जो बड़े लोग हैं वो किसी कारण से बड़े हैं, तो उन्हें सिर्फ बताना पड़ा कि ऐसे ऐसे है, आप करेंगे? तो उन्होंने पूछा उसमें पूछने वाली क्या बात है, ऑफकोर्स करेंगे. एंड उन्हें गाना जब भेजा तब यू नो विद इन अ स्प्लिट सेकेंड उन्होंने कहा कि हाँ मैं 8-10 दिन ट्रैवल कर रहा हूँ, आने के बाद हम लोग तुरंत डब करते हैं. सो देर इज़ एक्चुअली अ रीज़न, यू नो, इतना काम करने के बावजूद और इस हाइट पर पहुँचने के बावजूद अगर वो एक सेकेंड भी नहीं सोचते कि कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो देर इज़ रियली समथिंग. तो इस गाने के बोल हैं झर 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 पाउस होशी गना. तो इट्स बेसिकली अ लव सॉन्ग एंड बड़ा मीठा सा गाना है, ओल्ड स्कूल है, क्योंकि आजकल हम लोग जो गाने सुनते हैं तो कहीं पे कुछ ऐसे लगता है कि कुछ और सुनना है, कुछ और चाहिए, कुछ और, एंड देन यू गो बैक टू द ओल्ड सॉन्ग्स. तो ये उस तरीके का गाना है, द सॉन्ग्स दैट यू गो बैक टू. एंड बहुत ही अच्छा लगा उनके साथ गाते वक्त. एक तो इट वॉज अनरियल हियरिंग माई वॉइस विद हिम, तो वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल फीलिंग थी. लेकिन उससे भी ज़्यादा, जैसे मैंने कहा कि इन लोगों, ये जो स्टॉलवर्ड्स हैं, पंकज जी हैं, अनुराधा जी हैं, इनके गाने, इनकी वॉइस हर गाने में उतनी ही ताज़ी लगती है. यू नो हर गाने को वो उतना ही जस्टिस देते हैं, उतनी ही मेहनत करते हैं. तो ये आप सुनेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा. इसके अलावा मैम ये गाना तो बेसिकली इस गाने का ब्रीफ था दैट वी वांट अ टाइमलेस लव सॉन्ग एंड इट हैज़ टू बी डन इन अ वे कि जो लोग गज़लें सुनते हैं वो लोग भी इस गाने को रिलेट कर सकें. और इसकी कॉम्पोजिशन जिन्होंने की है अशोक पत्की जी, ही इज़ ऑल्सो वेटरन इन मराठी म्यूज़िक. उन्होंने भी पिछले 40 सालों से काम किया है और आज भी उनके गाने अगर आप सुनेंगे तो आपको उतने ही ताज़े तवाने लगते हैं. उनके मतलब तब के गाने और अब के गाने, दे आर मेलोडियस, दे आर सिंपल एंड शब्द प्रधान होते हैं. यू नो दैट्स व्हाट इज़ द प्रीरिक्विजिट ऑफ अ सॉन्ग. कल जब ये गाना आपने YouTube चैनल पे रिलीज जी किया जी तो वी आर स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ टॉकिंग टू पीपल, बट फिलहाल हाँ ये गाना ऑफकोर्स मेरे चैनल पे तो जाएगा ही. एंड मुझे कॉन्फिडेंस है कि वंस इट इज़ रेडी, क्योंकि इसमें नाम भी बहुत बड़े हैं एंड वाकई इट्स अ काइंड ऑफ अ सॉन्ग दैट पीपल विल गो बैक टू. तो अलॉन्ग विद द चैनल आई एम श्योर इट विल बी अवेलेबल ऑन अदर प्लेटफॉर्म्स आल्सो. नहीं, ये गाना उन्हीं के लिए बनाया हुआ है, ये गाना बना ही उन्हीं के लिए है. मतलब जब ब्रीफ दिया हुआ था, जब अशोक जी से बात हुई कि ऐसे ऐसे हम गाना करना चाहते हैं, तो उन्हें बाकायदा यही बताया गया कि पंकज जी जिस तरीके के गाने के चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, सिंपल गाना है लेकिन उतना रहा है, उतना जहन में सबके रहता है, उसी तरीके से रिमझे इतना ही सिंपल है और इजीली बैठ जाता है. तो ब्रीफ ही वही था, गाना उन्हीं के लिए बना हुआ है एंड थैंक गॉड, मतलब उन्होंने एक सेकंड में हाँ कह दिया गाने. फॉर भजन अभी इस गाने के लिए जितने जल्दी उन्होंने हाँ बोला, आई एम श्योर इट्स अ क्वेश्चन ऑफ आस्किंग हिम.
वैसे, लेकिन उन उनकी जो स्पेशलिटी है, उनकी जो खासियत है वो गज़लें हैं, और वो जॉनर इस जॉनर से ज़्यादा मिलता है भावगीत के साथ जी. थैंक यू झर 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 रिम जी मणारा पाओ सहो शीलना थर थर नारा पाना धरती चाहूल दे शीलना. बाकी आप पंकज जी की आवाज़ें सुनिए. अच्छी बात है या बुरी बात है ये बताइए. अच्छी बात है. और मैं भी म्यूजिक फील्ड से हूँ जी. नहीं, आई थिंक आप बेसिकली इसके लिए एक है, आपको गाते रहना है. दैट्स द ओनली वे यू साउंड द सेम. बिल्कुल, माने सेम ही लग रहे हैं. तब की आवाज अच्छी आवाज के ऊपर अलग ही दूसरे सिंगरों की गले में कुछ बदलाव आ जाता है, लेकिन आपके में नहीं है. नहीं, इट्स लाइक इसकी कुछ खास वजह बताइए. अब मैं ख़ास वजह कोई पैदा तो नहीं कर सकती, यही कहूँगी कि ओवर द ईयर्स मैं गाती रही हूँ, चाहे जॉनर बदला. आई स्टार्टेड विद बॉलीवुड, आई डिड अ लॉट ऑफ इंडी पॉप, तब से शुरुआत हुई. फिर काफ़ी सारे गाने रहमान जी के साथ भी मैंने किए. उसके बाद कुछ एक आध साल ब्रेक मैंने लिया, नॉट फ्रॉम म्यूज़िक, लेकिन मैं बाहर गाँव थी तभी भी मैंने आई कंटिन्यूड म्यूज़िक. और वापस आने के बाद, क्योंकि डिवोशंस में कोई यंग चेहरा था नहीं, तो इट वाज अ वेरी ऑब्वियस एंट्री फॉर मी. वो कुछ गाना कुछ भी है, लेकिन गाना है बस. दैट्स द ओनली वे टू डू इट जी. तर आज आम्ही इथे खूप वर्षानंतर एक नवीन ओरिजिनल भावगीत रेकॉर्ड करतोय, आणि त्याचं संगीत अशोक पत्ती यांचं आहे. आणि वर्ल्ड फेमस गझल गायक पंकज उदासजी यांच्याबरोबर हे गाणं मी गात आहे. आणि रंगधनूचा झुला हे या गाण्याचं शीर्षक आहे. फारच गोड. जसं भाव सगळ्या मराठी ऑडियन्सना माहिती आहे की भावगीतांसाठी एक आपल्या मनात एक वेगळं स्थान आहे. कारण कधी आप तुम्हाला आरामशीर ऐकायचं असेल तर आपण नेहमी भावगीतच ऐकतो. तर तशा तऱ्हेचं हे गाणं आहे, आणि आज त्याचं डबिंग आहे. खूपच छान वाटतं आहे. पंकजींसाठीच हे गाणं कंपोज केलेलं आहे, आणि त्यांना ऐकवल्या क्षणी त्यांनी म्हटलं की हो, विचारायचं काय त्याच्यात, गाणार म्हणजे काय. ऑफकोर्स मी गाणार, आणि आज डबिंग आहे, आणि आज इट्स साऊंडिंग वंडरफुल. तर आत्ता खाली डबिंग चालू आहे, शेवटचा अंतरा चाललेला आहे. त्याच्यानंतर ते पण सांगतील त्यांचा काय अनुभव होता हे गाणं रेकॉर्ड करताना. माझा तर एक तर सकाळपासून मला विश्वासच बसत नव्हता, कारण का आत्तापर्यंत त्यांची गाणी मी अनुराधाजींबरोबर ऐकलेली आहेत. खूप त्यांचे गझल्स आहेत, खूप त्यांचे फिल्म सॉन्ग्स आहेत. दिवानगी एक त्यांचं अतिशय गाजलेला आल्बम आहे. आणि त्याच्यानंतर आज ह्याच्याबरोबर त्यांचा आवाज, म्हणजे आय एम गोइंग टू शेअर द प्लॅटफॉर्म, ही फारच मोठी गोष्ट आहे माझ्यासाठी. आणि या गाण्यामधला जो क्लासिकपणा जो आहे तो त्यांच्या आवाजातला आहे, आणि थोडासा जो यंगपणा आहे तो माझ्या आवाजातला आहे. तर होपफुली प्रेक्षकांना हे गाणं आवडेल. कंपोज केलेलं आहे. हो हो. जर्नी चालू होती तेव्हा तुम्ही जेव्हा जॉईन झाला तो अनुभव कसा होता? हे बघा, सर्वांनाच हवं असतं की आपण जितकी टॅलेंटेड लोक आहेत त्यांनी एकत्र येऊन काम करावं. पण प्रत्येकाला तशी संधी मिळतेच असं नाही, तो एक योगायोग यायला लागतो. आणि यावेळेला तो घडून आला. आणि हे गाणं ॲक्च्युली वेगवेगळे लोक हे करणार होते, म्हणजे कंपोजिशन ऑफकोर्स अशोकजींची होती, पंकजजी गाणार होते हे आधीपासून ठरलेलं होतं. म्हणजे आम्ही त्यांना विचारायच्या आधीच ठरवलं की हे ते गाणं गाणार आहेत. पण आणि अगोदर आणि कुणीतरी लिहिणार होते, पण इट्स डेस्टिनी. म्हणजे ह्यालाच योगायोग म्हणतात, की त्यांनी ते कंपोज केलं. आता इतके वर्ष अशोकजींनी माझ्या वडिलांबरोबर खूप काम केलेलं आहे, अरुणजींबरोबर, आईबरोबर काम केलेलं आहे. मी कित्येक वर्ष गाते, पण इतके वर्ष कधी तो योगायोग जुळून आला नाही. आणि आज ते झालं. त्यांचं कॉम्पोजिशन मंदार हा अतिशय उत्कृष्ट लिहितो. आणि आत्ता खाली बसलेले काही लोक विचारतात, अरे कमाल आहे, म्हणजे तुम्ही या एजमध्ये इतकं गोड आणि म्हणजे प्युअर, एक जसं बेसिक लिरिक मराठी गाण्यांचे लिरिक्स कसे असायचे तशा टाईपचे लिरिक्स त्यांनी लिहिलेले आहेत. आणि त्याला विचारलं, कसं रे बाबा तुला जमलं? तो म्हणाला, कारण मी महाराष्ट्र नाही, मी मराठी आहे, हे मी हेच करतो.
तो सगळा योगायोग अगदी सुंदर जुळून आलेला आहे. आता लोकांनी सांगायचं की त्यांना कितपत गाणं आवडतं. तर या गाण्यानंतर भविष्यात अजून गाणी करायची. तसं त्यांनी म्हटलं अजूनपर्यंत तुमचा आवाज तसाच आहे तर तसाच राहायला पाहिजे ना. तर बेसिकली मी सांगू का, आम्ही सगळे जितके कलाकार आहोत आम्ही ह्याच्या थ्रूच वी आर अलाईव्ह. गाण्यामधनं आणि जे काय आम्ही काम करतो त्याच्या थ्रूच लोक आम्हाला लोक आमची आठवण ठेवणार. आणि वी आर फ्रॉम अ स्कूल ऑफ थॉट जिकडे तुम्ही किती गाणी गायलात ह्याला महत्त्व नाही आहे, पण तुमचं गाणं किती वर्ष टिकलं. कारण का ह्याच लोकांना बघून आणि ह्याच लोकांना ऐकून आम्ही मोठे झालो ना. हृदयनाथ मंगेशकर आहेत, अरुणजी आहेत, सुधीर फडके आहेत, ह्यांची कितीतरी हजारो वर्ष ह्यांची गाणी तशीच राहणार आहेत. तर ह्यांची गाणी ऐकून आम्ही शिकलो तर ते जे संस्कार आहेत ते त्यांचे आहेत. तर जरी प्रोडक्शन व्हॅल्यू चेंज झाली, जरी थोडासा पिक्चरायझेशनचा जरिया चेंज झाला, मीडिया चेंज झाला, प्लॅटफॉर्म चेंज झाला, तरी बेसिक सोल तोच आहे. तर गाणं तसंच करायचं आणि यापुढेही अशीच गाणी करत राहायची. देखिए, ये मेरे ख्याल से कोई भी जिसने आज तक गाने की जुर्रत की है तो उनको नजराना दिए बगैर नहीं की है. तो बाय गॉड्स ग्रेस अब वो बिल्कुल ठीक हैं, क्योंकि उनका रहना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि उन्हें देखकर लोगों को पता चलता है कि म्यूज़िक क्या होता है या क्या होना चाहिए. ऐसे लोगों का रहना ही बहुत ज़रूरी है. देयर प्रेजेंस इज़ वेरी नेसेसरी. एंड थैंकफुली शी इज़ वेल और ईश्वर उन्हें बहुत बहुत लगा. लता जी का ओह माय गॉड, ये आपने बहुत ही मुश्किल सवाल. वो है जरा खफा खफा के नैनियों चुराए हैं के ओ ओ ओ. उनके करोड़ों गाने हैं, बट फिर भी आप उनका कोई भी गाना उठाइए तो ऐसे लगता है कि हाँ गाना मतलब ऐसे होना चाहिए. यू नो, जब जब आपने वो स्टैंडर्ड देखा हो तो फिर आई थिंक यू आर ब्लेस्ड. मेरे लिए एक बहुत एक ये जो गाना है उसके साथ साथ बहुत सारी बातें हो रही है एक साथ. उसमें यह है कि मेरी गज़ल गायकी की जब मैंने शुरुआत की थी तो मेरा जो पहला एल्बम आया था आर्ट इन 1980, उस एल्बम की म्यूज़िक अरेंजमेंट अशोक पत्की जी ने की थी कि जिन्होंने इस गाने को कंपोज़ किया है जो म्यूज़िक डायरेक्टर है. तो आज फिर से मेरा पहला, जैसे आहट मेरा पहला एल्बम था, मेरा पहला मराठी गीत है उसका भी कॉम्पोजिशन इन्होंने किया है. और मंदार जो मेरे साथ बैठे उन्होंने बहुत खूबसूरत लिखा है ये गीत, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही खूबसूरत गाना है. और दूसरी बात ये कि अनुराधा पौडवाल जी, जिनके साथ मैंने कई फिल्मों के बहुत ही पॉपुलर गाने गाए हैं, उनकी बेटी और कविता कृष्णमूर्ति, कविता पौडवाल जी के साथ ये गाना गाने का मुझे मौका मिला. तो मैं समझता हूँ कि हर चीज़ नहीं है इस गाने में और हर बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है मेरे साथ, मेरी ज़िंदगी के साथ. तो मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि मेरा जो पहला मराठी गीत है वो इस तरह से हुआ कि जिसमें ऐसे सब लोग जुड़े हुए हैं कि जो सब सुरीले लोग हैं, बहुत ही म्यूज़िकल लोग हैं. और मुझे बड़ी खुशी है कि एक इतने सालों में मेरी ऑलमोस्ट 40 साल की जो करियर है उसमें मैंने हर लैंग्वेज में गाने गाए हैं, प्रैक्टिकली ऑलमोस्ट ऑल द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया. लेकिन जहाँ मैं रहता हूँ, जिस शहर में, मुंबई में, उस मराठी का ही मैंने कोई गाना नहीं गाया. तो इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैंने एटलीस्ट एक मराठी गाना गाया आज. और मैं उम्मीद करता हूँ कि और गाने मैं मराठी के गा सकूँ. मैंने इसलिए हाँ की क्योंकि एक तो मुझे पोएट्री बहुत अच्छी लगी, दूसरा कि उसका कॉम्पोजिशन जो है वो
मेलोडियस है बहुत, अशोक जी बहुत मंजे हुए, बहुत जाने माने हमारे संगीतकार हैं, और गाने में कहीं एक ऐसा मैजिक है कि आप एक बार सुनो, दो बार सुनो, तो फिर आप सुनते रहोगे, क्योंकि उसमें कोई एक ऐसा लूप है कि जो दिमाग में बैठ जाता है। और ख़ास बात ये कि कविता ने इतना सुंदर गाया है ये इस गीत को, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारे अंदाज में गाया है, तो इसलिए मुझे हुआ कि ये गाना मुझे गाना चाहिए, क्योंकि मैंने आज तक मराठी गाना नहीं गाया, तो ये सही गाना है मेरे लिए टू स्टार्ट विथ। देखिए, आपने पूछा कि इस गाने में ऐसी क्या ख़ास बात थी कि इन्होंने अग्री किया। गाना तो ऑफकोर्स ख़ास है, लेकिन ख़ास बात, खासियत इनमें है, क्योंकि इस लेवल के होने के बाद बावजूद आर्टिस्ट, आप सभी लोग टू अग्री, एक मतलब विदाउट थिंकिंग अ स्प्लिट सेकंड कि हाँ उसमें क्या है, वो तो करना ही है। तो जब उनको कहा कि नहीं, मैं गाना आपको भेज रहा हूँ, प्लीज़ सुन के आप बताइए, नहीं नहीं आप, तो वो जो एक कॉन्फिडेंस, ये आप, देर इज़ अ रीज़न कि ये लोग बड़े क्यों हैं, क्योंकि ये लोग सबको कॉन्फिडेंस देते हैं और अच्छा को अच्छा कहते हैं, ये कहने के लिए बहुत बहुत जिगर लगता है। एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू हिम फॉर डूइंग दिस, क्योंकि ऑफकोर्स इनके साथ प्लेटफॉर्म शेयर क्या करना, इनके साथ गाना, इनके पीछे पीछे गाना ही बहुत बड़ी बात है। एंड ऑफकोर्स अशोक जी इज़ अ स्टॉलवर्ट इस फील्ड में, इन्होंने आज तक जितने गाने गाए हैं वो सारे, एक भी ऐसा गाना नहीं है जो आप दोबारा सुनने को आपको दिल नहीं करता, तो ऐसे कलाकार हैं। एंड ऑफकोर्स देर इज़ मंदार, ही इज़ आवर यंग एंड शाइनिंग हीरो, बट आप गाना अगर सुनेंगे तो आपको लगेगा कि किसी बहुत ही सुलझे हुए और बहुत ही मंझे हुए लिरिसिस्ट ने इसे लिखा है। सो फॉर मी इट इज़ अ ब्लेसिंग कि आई एम अ पार्ट ऑफ दिस, और साथ नहीं गाया मैंने उनके बाद गाया हुआ है। आप यही देखिए ना, इससे बड़ी सीखने वाली बात और क्या हो सकती है। देखिए, उनके गाने सुन के तो हम लोग बड़े हुए हैं, उनके गाने सीख के हमने गज़ल गायकी, जो भी थोड़ी बहुत जो भी गाते हैं, तो इन्हीं सब के गाने सुन सुन के हमने सीखा है। अशोक जी के कॉम्पोजिशंस हैं, यही सुन के सीखा है। बट एट द एंड ऑफ द डे, जैसे मेरे अपने फादर भी कहते थे, अरुण जी, ही वॉज नोन एज अ, मतलब बहुत अच्छे कलाकार करके लोग उन्हें मानते थे, लेकिन एक बहुत अच्छे इंसान और जेन्युइनली अच्छे इंसान करके लोग उन्हें मानते थे। तो ये सारी चीज़ें आप सभी सीनियर कलाकारों से सीखने को मिलती है कि आप कितना भी आप काम करो, उसके बावजूद यू स्टे ट्रू टू योर म्यूजिक, ये आप लोगों से सीखने को सबसे ज़्यादा मिलता है। इसलिए आपको यहाँ तक 5 बजे तक, 4 बजे तक नहीं, क्या है कि मैंने अशोक जी को मैं वही बता रहा था, और मंदार जिन्होंने लिखा है, मैं यही कह रहा था कि हम लोग हिंदी उर्दू जोन में इतना रहे हैं, नो डाउट क्या है, मैं मुंबई में बड़ा हुआ हूँ और मुंबई में तो जबान से बहुत अच्छी तरह से परिचित हूँ मैं मराठी से, लेकिन क्या है कि जब फाइनर पॉइंट्स आते हैं तो तब थोड़ा ये ज़रूरी होता है कि सही प्रोनाउंसिएशन हो, तलफ़ुज़ सही हो, और उसके अलावा यह है कि उसको सही ढंग से आप एक्सप्रेस कर पाओ, उसको समझ के उसको सही ढंग से एक्सप्रेस कर पाओ, तो उसके लिए हमने थोड़ी मैंने मेहनत की। मंदार जी और अशोक जी तो खैर एक्सपर्ट हैं दोनों, बट हमने ये चाहा कि कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि ये कोई ऐसा सिंगर गा रहा है कि जिसको मराठी की समझ नहीं है। तो आप जब गाना सुनेंगे तो आपको इस बात का एहसास होगा कि भाई ये जो गा रहा है उसको मालूम है कि वो क्या गा रहा है। म्यूजिक डायरेक्टर से जानना चाहूंगा अशोक का, सबसे पहले कितना पहला गाना है, तो क्या चैलेंजेस अशोक जी के साथ? नहीं, मेरे लिए तो बहुत इजी था, बिल्कुल 40-50 साल से पंकज जी को जानता हूं मैं, ये छोटी थी तब से इनके माँ के साथ भी बहुत काम किया है, अनुराधा जी के साथ, और इतना काम किया है कि आप गिनती भी नहीं कर सकते इतनी। तो एक तो मेरा एक स्टाइल है कि अच्छे गाने और मेलोडियस गाने देना, तो इनका पहला ये था कि आज ऐसे गाने सुनने नहीं मिलते हैं कि वाह वाह क्या बात है, क्योंकि गाना आता है लेकिन 8-15 दिन में आदमी निकल जाता है, भूल जाता है, तो मेलोडियस आपको ही करना है। इसके बाद अनुराधा जी का मतलब मदर माँ का इनका फोन है, कविता को एल्बम करना है तो आपको गाना, मैंने हाँ बोल दिया है, बोला कविता का फोन आया था उनको हाँ बोल दिया, मैं करूँगा।
तो वो करते करते अभी कौन लिखेगा, तो बातचीत हुई हमारी, तो इतने में इनका कुछ फेसबुक के पढ़ा मैंने कि मैं महाबलेश्वर जा रहा हूँ 4 दिन छुट्टी के लिए। मैंने कहा कुछ छुट्टी है, मेरा गाना लिखो तो ऐसे कहानी शुरू हो गई मतलब। और उन्होंने वहाँ मैंने मीटर भेज दिया, आजकल व्हाट्सएप पे सब भेज सकते हैं अपना। जी जी। तो मैंने ट्यून भी भेज दी कि मेरे को ऐसा ऐसा मूड का चाहिए था। तो जब बम्बई में आया 4 दिन के बाद तो गाना लेके आया, फिर इनके इनको बताया तो इनका पहला डब किया हमने रिकॉर्डिंग, मतलब कि ये बाहर गए थे कहीं शो के। yes. तो बोला आजकल तो कुछ भी कंप्यूटर के वजह से हो सकता है, तो इनका पोर्शन जो था फीमेल का तो कर लिया। आज इन पंकज जी के साथ किया, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन मराठी होने के वजह से थोड़ा तकलीफ हुआ, बाकी जो हमको चाहिए था माहौल पैदा करना मतलब एकदम, तो इतना किया है मतलब दोनों ने, मतलब इनको आशीर्वाद है। और खूब बहुत ही अच्छा बढ़िया काम हुआ है, मैं खुश हूँ मतलब। मंदार जी आपसे जानना चाहेंगे, जैसे सर ने कहा कि छुट्टी के दिन थे पंकज सर है, अशोक जी के साथ तो मतलब थोड़ा बहुत काम कर चुका हूँ इससे पहले, लेकिन मैंने ऐसे ही सर ने जैसा बोला एक फेसबुक पे पोस्ट डाली थी जनरल कि मैं जा रहा हूँ बाहर, तो प्लीज़ ऑल म्यूजिक डायरेक्टर्स कुछ काम हो तो भेज दीजिए तो मैं कुछ कर पाऊँगा, क्योंकि जर्नी में तो अपने पास टाइम ही टाइम रहता है। तो पत्ती काका का इमीडिएट एक 10-15 मिनट के बीच में मैसेज आया, तो मैं तेरे को ट्यून भेजता हूँ। और उनका एक खासियत ऐसा है ना कि वो ट्यून नहीं भेजते, वो वर्डिंग डमी वर्डिंग्स के साथ भेजते हमेशा। तो वो मुझे ऐसा लगा कि सर आप ये मेरे से क्या करवाना है इसमें, आपको इतने वो वर्ड करेक्ट है परफेक्ट है, नहीं नहीं तेरे को लिखना है, तेरे को छुट्टी है ना भी लिख। सो वो समय मतलब सर, और उन्होंने ये भी कहा अगर उसमें से कुछ अच्छे वर्ड्स लगते हैं, कुछ अच्छे थॉट्स अच्छे लगते हैं तो उसको हम लोग रख सकते हैं। और उसके बाद जब मुझे पता चला कि कविता जी और खास करके पंकज जी कर रहे हैं, तो थोड़ा एक प्रेशर थोड़ा बिल्डअप होता है। एक ही चीज़ हुई, हम लोग ने जब भी गाना किया तो भी फर्स्ट अंतरा शायद कविता को अच्छा नहीं लगा या फिर उसमें कुछ चेंजेस चाहिए थे, और तब तक मुझे पता चला कि पंकज जी कर रहे हैं। तो जानबूझ के मैंने वहाँ पे एक चिट्ठी का रेफरेंस लाया कि कितीदा जुन्या प्रेम पत्रा तो शोधू तुझा चेहरा लाजणारा समथिंग। तो मुझे एक अच्छा लगा कि चल रिपेयरिंग आए, मतलब करेक्शन आ गए, लेकिन कुछ अच्छा मिला उसमें से। एंड ऑलवेज अशोक जी के साथ काम करके हमेशा ही मतलब अच्छा लगता है। कविता इज ऑल्सो मतलब लाइक फ्रेंड, लाइक एल्डर सिस्टर। एंड आज मतलब बहुत सारे लोग हैं अभी एक्चुअली स्पीकिंग मराठी में इतना काम करने के बावजूद जो उंगलियों पे गिने नहीं, मतलब गिनने जैसे लोग हैं जिनके साथ मैंने काम नहीं किया है, आज वो भी एक तमन्ना पूरी हो गई थैंक्स टू कविता, थैंक्स टू अशोक जी। जब आपको मालूम पड़ा कि पंकज सर ने भी नहीं फ्रैंकली स्पीकिंग लैंग्वेज वाइज कुछ भी चेंज इन लोग के तरफ से नहीं आया था। उनको थॉट वाइज कुछ करेक्शंस थे, तो उन्होंने क्या चाहिए वो भी नहीं बताया, ये थॉट चेंज हो सकता है क्या। बिफोर पंकज जी कविता को और हम लोग का बात हुआ तो उसमें वो चिट्ठी वाला रेफरेंस आया बाद में सब। और आज नीचे जो सर ने गाना गाया, तो मतलब एक बात मैं कहना चाहूँगा, बिकॉज ऑफ डिक्शन और प्रोनाउंसिएशन सर जो बोल रहे थे कि थोड़ा टाइम लग रहा है वगैरह, लेकिन मुझमें थोड़ी सी झिझक थी कि, या फिर सर को मैं पूछता था उसमें से ले लेंगे क्या, वो ट्रैक अच्छा है क्या, लेकिन सर अंदर से इतने इंथू थे ना कि नहीं नहीं और एक करते हैं पूरा लेते हैं, क्योंकि उनको जब तक अंदर से नहीं आता, दिस इज कॉल्ड एक्सपीरियंस एंड लेजेंड। सो मज़ा आया। एक छोटी सी चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि जब क्या होता है, जब आप सर्टन नाम से जुड़ते हैं स्पेशली यू नो जिनका एक ऑरा बना हुआ है या जिनकी तरह से ये गाने आए हुए हैं, देन आपको पता है कि नहीं ये नहीं इसमें अगर मतलब यू नो ही इज़ गोइंग टू सिंग इट, तो उसको उस तरीके से जस्टिस थॉट वाइज हुआ या फील वाइज हुआ। और वाकई जब ये दोबारा उन्होंने ही डिड सच अ ब्यूटीफुल जॉब, जब उसे रिपेयर करके उसको लिखा गया, आज लगता है कि नहीं ये ऐसे ही होना था, दिस इज़ हाउ इट वाज सपोज्ड टू साउंड, कि उसमें जो वो क्लासिक फील है या एक समथिंग दैट यू ऑलवेज गो बैक टू, वो एक जो फील है वो इन लिरिक्स में इस मतलब लय में यू नो द वे ही हैज आई मीन नाउ दैट दोस 2-3 hours और अभी सुनने से लगता है कि अरे ऐसे ये ऐसे ही साउंड करना चाहिए था, तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट। तो कैसा कोई गजल या कोई शायरी जो आपके दिल के सबसे करीब हो, गजल तो चिट्ठी आई थी सभी के करीब है, इसके अलावा कुछ है जो आप गुनगुनाते रहते हैं
आपसे शेयर कर सके कुछ? जी गजल तो मैं गाता ही हूँ स्टेज पे, मुझे मेरी कुछ फिल्मों के गाने बहुत पसंद हैं, और कुछ गाने जैसे मैंने अभी कहा पहले कि अनुराधा जी के साथ कुछ गाने मैंने किए हैं, और एक मैंने एल्बम किया था अनुराधा जी के साथ नहीं आशियाना का, उसके कुछ गाने हैं जो मुझे इतने पसंद हैं कि आप मानेंगे नहीं, लेकिन आज भी मैं वो गाने कभी जब मूड बनता है मेरा तो मैं वो गाने लगा के सुनता हूँ। उसमें एक गाना था तुझ बिन जी ना पाएंगे, हम तो सनम मर जाएंगे, तो ऐसे खूबसूरत गाने हैं कि जिसको कहें कि एवरग्रीन गाने हैं ये सब, और ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम ऐसा काम कर पाए, और ये आज मैं ये गाना जो मैंने गाया है वो मैं पूरी उसकी क्रेडिट अशोक जी को इसलिए देता हूँ कि उन्होंने जो कंपोज किया है वो ये कहीं ऐसा मुझे लगा जब मैंने गाया कि पहले से ही ऐसा सोच के उन्होंने कंपोज किया था कि ये पंकज उदास के लिए है ये, तो इट इज़ सो एप्ट, यानी इतना सही गाना है मेरे लिए, यानी मेरी रेंज, मेरा गाना, मेरी स्टाइल, तो बड़ी खूबसूरती से उन्होंने वो थॉट प्रोसेस दिमाग में रख के पूरा कंपोज किया गाने के लिए। जब पंकज जी जब पहला गाना मराठी में आप गाया है जी, तो लोगों से आप क्या बोलना चाहेंगे कि और भी कुछ इस टाइप के गाने? बिल्कुल, व्हाई नॉट, क्योंकि देखिए ये हमारे लिए सबसे बड़ी चैलेंज ये होती है कि एक कलाकार जो है उसमें उतनी बात होनी चाहिए कि कोई भी भाषा हो उसको वो जस्टिफाई कर सके, उसके साथ जस्टिस कर सके। बल्कि मैंने एक बंगाली एल्बम किया था जो आज तक पॉपुलर है, बल्कि आज भी मैं जब जाता हूँ कहीं कॉन्सर्ट्स के लिए तो उन गानों की फरमाइश आती है आज भी उस बंगाली एल्बम की। तो ये ज़रूरी है, मुझे उम्मीद है, बल्कि मुझे कॉन्फिडेंस है कि ये जो ये गाना आज हमने डब किया है वो गाना 100% लोग पसंद करेंगे, और मुझे ताज्जुब नहीं होगा कि अगर महाराष्ट्र में कोई मैं शो कर रहा हूँ तो मुझे फरमाइश आएगी कि ये गाना सुना जी, जी। तो हो जाएगा गाने की। आप शुरू करिए थर थर नारती साहूल भट्टाचार्य के यहाँ नौजुका में आप काला कुर्ता में गा रहे थे, ऐसा मैं ऑब्जर्व किया हूँ कि +50 जो है ये चिट्ठी आई जब सुनते थे इनके आंखों में आंसू आ जाते थे, तो आपने कौन सा फीलिंग उस टाइम पर गाने में डाला था, वो मैं चाहता हूँ कि आप। नहीं देखिए, ये गाना ऐसा है कि इसके शब्द ऐसे हैं, इसकी कॉम्पोजिशन ऐसी है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का कॉम्पोजिशन था और आनंद बख्शी जी ने लिखा था उसको। ये गाना ऐसा है कि आप जब गाते हैं और आप जब सुनते हैं वो कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती, अपने आप ऐसे जज्बात पैदा करता है ये गाना कि इंसान जो है कहीं ना कहीं वो उसकी आँखें नम हो ही जाती हैं।